हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाने वाले हैं। तो उसे बनाने के लिए हम 18650 लिथियम आयन बैटरी का यूज करेंगे। ये एक बैटरी 4 वोल्ट और 2000 एमएच का है। तो सबसे पहले हम दोनों का पैरेलल कनेक्शन करेंगे, यानी कि दोनों के पॉजिटिव को एक साथ और नेगेटिव को एक साथ जोड़ना होगा। इसका कनेक्शन करते समय बस आपको ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग आयरन को बैटरी में ज़्यादा देर तक सटा कर नहीं रखना है। अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग का मशीन है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि पैरेलल कनेक्शन करने पर बैटरी का वोल्टेज उतना ही रहता है, सिर्फ एम्पियर बढ़ जाता है। इसका मतलब अब यह बैटरी 4 वोल्ट और 4000 एमएच का हो गया है। अब ऐसे ही बैटरी का दो और पेयर बना लेना है। इसके बाद हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। आपको ये भी पता ही होगा कि सीरीज में जोड़ने पर एम्पियर उतना ही रहेगा, सिर्फ वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसे सीरीज में जोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं। हमने इसका सीरीज कनेक्शन कर लिया है। अब यह बैटरी 12 वोल्ट और 4000 एमएच का बन चुका है। इतना करने के बाद बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए हम इसमें एक BMS को जोड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका बैटरी में कनेक्शन कर लेते हैं। BMS का कनेक्शन बहुत ही आसान होता है। इस डायग्राम को देखकर आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमने इसका कनेक्शन अच्छे से कर लिया है। अब इसका वोल्टेज चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें 11.7 वोल्ट दिखाई दे रहा है। फुल चार्ज होने पर यह 12.6 वोल्ट का हो जाएगा। इतना करने के बाद कागज के टुकड़े को बैटरी के दोनों साइड में चिपका देंगे। अब हम एक बोतल लेकर इसका एक टुकड़ा काट लेंगे। इसका यूज हम हीट सिंक ट्यूब के जगह में करेंगे। हीट श्रिंक ट्यूब आपको पता होगा, जिसका यूज इस तरह के बैटरी को पैक करने में किया जाता है। तो चलिए जल्दी से बोतल को काट लेते हैं। अब बैटरी को इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद आप देखते रहिए हम क्या करने वाले हैं। आप इस मोमबत्ती के जगह में हॉट एयर गन का भी यूज कर सकते हैं, उससे यह और भी अच्छे से पैक होगा। इसके बाद BMS को एक कागज के टुकड़े से ढकने के बाद इसे हीट करेंगे। आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से पैक हुआ है। अब हम इस बैटरी से एक 12 वोल्ट के मोटर को चलाकर आपको दिखाते हैं। इस बैटरी से यह मोटर अच्छे से काम कर रहा है। बैटरी को पैक करने का ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।